दूषित हवा का कहर और दिल्ली की हवा में जहर। हेलो एंड वेलकम टू ऑटोनेस्ट और मैं हूं आपके साथ ध्रुव। दिल्ली एनसीआर की एयर कुछ इस हद तक पॉल्यूटेड हो चुकी है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों का हवा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, जिसको देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में कुछ सख्त पाबंदियों को लागू कर दिया है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इन पाबंदियों के बारे में नहीं जाना तो हो सकता है कि इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो अगर आपके पास BS4 इंजन की डीजल कार है तो आपको कुछ समय के लिए उसे पार्किंग में पार्क करना होगा। ऐसा हम नहीं कहते, कुछ पाबंदियों के चलते आपको ऐसा जरूर करना होगा। इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली में अगले कुछ समय तक आपको किन नियमों का पालन करना जरूर पड़ेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। आइए शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में CAQM ने लागू किया GRAP4। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि CAQM ने GRAP4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के फेज 4 को दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की एयर क्वालिटी गुरुवार को बेहद ही खराब स्तर की बनी हुई थी। जी हां, AQI 420 से 460 तक दर्ज किया गया और 400 से ज्यादा AQI, मतलब ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसमें सांस लेने से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर बड़े बुजुर्ग और अस्थमा पेशेंट्स या जिन्हें हार्ट डिसीज हो, उन लोगों के लिए ऐसी हवा बहुत ही नुकसानदायक है। दिल्ली एनसीआर में लागू होंगी ये पाबंदियां। दिल्ली में अगला रिव्यू 6 नवंबर तक होगा, तब तक के लिए डीजल गाड़ियां जिनका BS4 इंजन है उन पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ मिड एंड लार्ज साइज के डीजल ट्रक भी दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे, लेकिन हाँ, जो एसेंशियल सर्विस के तौर पर चलने वाले ट्रक होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। एनसीआर में PNG के अलावा बाकी फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली सभी इंडस्ट्री बंद रहेंगी। कुछ समय के लिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन के पब्लिक प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया है, जिसमें हाईवे, सड़कें, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइन जैसे जुड़े काम शामिल हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट पर फैसला कर सकती है। साथ ही साथ गाड़ियों पर ऑड इवन रूल के बारे में भी सोचा जा सकता है। वहीं प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेस पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी फैसला कर सकती है। दिल्ली एनसीआर के शहरों का हवाए हाल। CPCB की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को इन जगहों का आंकड़ा इस कैटेगरी में दर्ज किया गया। गाजियाबाद में AQI 391 रहा, नोएडा में 388, ग्रेटर नोएडा में 390, गुरुग्राम में 391 और फरीदाबाद में 347 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली NCR के लोग अगर इन दिनों मास्क का इस्तेमाल करें तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। वहीं CAQM के लेटेस्ट अपडेट हम आप तक टाइमली पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, जरूर कर दें। साथ ही वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।